गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक आई एम आयुष पुरोहित फ्रॉम द ज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जोग्राफी ऑफ क्लास सिक्स बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द बुक एंड जोग्राफी स्टूडेंट योर जोग्राफी बुक नेम इज द अर्थ आवर हैबिटेंट यानी कि धरती हमारा निवास स्थान ज्योग्राफी इज अ इंग्लिश वर्ड बट दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक ज्योग्रॉफी एक इंग्लिश शब्द है बट इसकी उत्पत्ति ग्रीक में हुई है ज्योग्रॉफी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पेपुल जोग्रॉफी जो कि संबंधित है धरती के अध्ययन और धरती और इसके लोगों के There are eight chapters in this book, and we start from and today we start from chapter one, Name the Earth in the Solar System. Now, talk about the chapter, we talk about the chapter one, the Earth in the Solar System. How wonderful to watch the sky and आफ्टर द सनसेट सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना कितना अच्छा होता है वन वुड नोटिस वन वुड फर्स्ट नोटिस टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई जो कि दो आसमान में चमकते हुए बिंदुओं को देखता है वो कितना अच्छा लगता है अचानक आचा, आप देखते हैं कि इनका नंबर बढ़ता जा रहा है और इन्हें काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है द होल इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे ये पूरा आकाश पूरा जो स्काई है इन शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है इनमें से कुछ ब्राइट होते हैं मीन्स चमकीले होते हैं और कुछ डेम होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आकाश डायमंड से पूरा भरा हुआ है और ये जो डायमंड्स हैं वो चमक रहे हैं अलॉन्ग दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मोन इन ऑब्जेक्ट के साथ ही आप चंद्रमा को देखते हैं यानी मून को देखते हैं हावेवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स हालांकि यह अलग अलग, अलग, अलग अपेयर होता है इसके शेप्स और पोजिशन अलग अलग होते हैं आप महीने में एक बार फुल मून को देखते हैं और ये फुल मून नाइट को पूर्णिमा या फुल मून नाइट कहा जाता है एंड फॉर नाइट लेटर एक दिन बाद आप पूरे चांद को नहीं देख पाएंगे द न्यू मून लाइट और अमावस्या जब एक लंबे समय के अंतराल के बाद जब आप चांद को देखते हैं तो यह न्यू मून लाइट और इसे अमावस्या कहा जाता है इस दिन जो मून है फुल्ली डिस हो जाता है फ्रॉम द स्काई वन डे यू वॉच द नाइट द स्काई इज़ बेस्ट प्रोवाइडेड इस क्लियर नाइट जब आप आसमान को एक दिन जब आप आसमान को देखते हैं आसमान साफ होता है तो आप आसमान में तारों को आराम से देख सकते हैं द सन द मून एंड दो ऑल शाइन ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज सूर्य चंद्रमा तारे और सभी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है सेलेस्ट्रियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और हॉट होते हैं। ये गैसों से मिलकर बने होते हैं और इनकी खुद की अपनी हीट होती है जो इनसे से ये लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं ये सेलेस्ट्रियल बॉडीज स्टार्स कहे जाते हैं सूर्य भी एक स्टार है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टार्स भी अगर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं तो हमें उनकी लाइट या उनकी हीट क्यों महसूस नहीं होती तो इसका एक मेजर कारण जो मेजर रीज़न जो है कि जो स्टार्स हैं वो काफ़ी हमसे दूर हैं इसीलिए हम उसकी हीट को अभी यहाँ पर अर्थ पे महसूस नहीं करते हैं या रियलाइज नहीं करते हैं अब इस चैप्टर में एक एक्टिविटी दी गई है आप इस एक्टिविटी को कीजिए और इस एक्टिविटी को करने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या इसमें आपने महसूस किया यू मस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो बहुत छोटा दिखाई देता है जैसे कि एक एरोप्लेन एक ऊंचाई में उड़ता हुआ पक्षी और भी बहुत सारी चीजें जब आप नजदीक से किसी को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके आंखों के पास होता है तो इसलिए वो आपको बड़ा दिखाई देता है जब आप रात को स्काई में देखते हैं तो आप डिफरेंट स्टार्स के ग्रुप्स को देखते हैं और इन्हें कहा जाता है का मीनिंग होता है नक्षत्र और अर्सा मेजर और बिग बियर इज द वन सच कॉन्सिलेशन अर्सा मेजर और बिग बियर उन्हीं में से उन्हीं नक्षत्रों में से एक है और जो मोस्टली इजीली यानी कि ऐसा नक्षत्र जो कंसुलेशन जो सबके द्वारा इजीली पहचाना जाता है उसका नाम है सप्त ऋषि इट्स अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स सप्त ऋषि एक सात तारों का सात स्टार्स का एक ग्रुप है और अर्सा मेजर कॉन्सुल और दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कंसुलेशन और ये अर्सा मेजर कंसुलेशन का एक पार्ट को बनाता है अब अपने आसपास दोस्तों से फैमिली वालों से पूछिए उन्होंने इन कंसले, उन उन्होंने इनमें से किसी एक कंसलेशन को देखा होगा और सभी सप्तऋषि कंसलेशन को देखने की बात कहेंगे इन एंशंट टाइम पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स पुराने समय में लोग इन्हीं तारों की सहायता से अप दिशाओं का पता लगाने का कार्य करते थे द नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर का तारा उत्तर की दिशा को बताता है और इसे पोल स्टार भी कहा जाता है इन हिंदी वी नो दैट ध्रुव तारा हम इसे हिंदी में ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं और इसे उत्तर का तारा भी कहा जाता है जो कि उत्तर की दिशा में स्थित होता है इसी की सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है और यह डायरेक्शन में भी आपकी सहायता हेल्प करता है इट ऑलवेज रिमेन्स इन सेम पोजिशन इन द स्काई ये हमेशा आकाश में एक ही पोजिशन पे रहता है एंड वी कैन लोकेट द पोजिशन पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि पोल स्टार की लोकेशन को हम सप्तऋषि की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि पोल स्टार की लोकेशन क्या है सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव हीट एंड लाइट कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है और उन सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहा जाता है जिस सेलेस्टियल बॉडीज अब इससे प्लानट की डेफिनेशन हम समझते हैं कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की अपनी लाइट और हीट नहीं होती है वो सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट कहलाते हैं प्लैनेट भी एक ग्रीक वर्ड है जो प्लानाइस प्लेनेटाइज से आया है जिसका मीनिंग होता है वेंडर्स। और जिस अर्थ, जिस धरती पे हम रहते हैं जिस अर्थ पे हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है और ये अपनी सारे इसके पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं है मीन्स ये एक प्लानट है तो ये एक सेलेस्टियल बॉडी भी है और इस एक प्लानट एक होने के नाते इसके पास खुद की लाइट खुद की हीट नहीं है और ये अपनी सारी लाइट और सारी हीट जो है सन से प्राप्त करता है और जो मून हम आकाश में देखते हैं वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है बट वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है और हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है जो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है और ये अपनी ये भी अपनी सारी लाइट सारी हीट और सारी एनर्जी जो है सन से प्राप्त करता है सम ऑफ दैम देर अब कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो जिनके पास अपने खुद के बहुत सारे मूनस हैं जिनमें जुपिटर सटन कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारी जो अर्थ है उसके पास अपना एक सैटेलाइट है जो उसका नाम मून है द सोलर सिस्टम देयर आर एट प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स फ्रॉम फ्राम सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो है सन प्लानट्स सेटेलाइट्स सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एस एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉट अब आप एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको इमेज के सेंटर में सन दिखाई दे रहा होगा उसके बाद मरकरी अर्थ मार्स उसके बाद मार्स के बाद आपको एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट दिख रही होगी फिर देन जुपिटर सटन यूरेनस नैपचून अब आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि एक सभी एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि प्लूटो भी एक प्लान था तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स 2006 थाउजेंड सिक्स आई ए यू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा प्लूटो को एक प्लानट होने की कैटेगरी से हटा दिया गया है डिस्कालीफाई कर दिया गया है जस्ट बिकॉज प्लूटो जो है अदर प्लैनेट्स की जो सर्कुलेशन बेल्ट है या जो कह सकते हैं जो सर जो उनका चक्कर लगाते हैं जो उनका पाथ है उसको कट कर रहा था और कोई भी प्लैनेट तब तक प्लैनेट नहीं हो सकता जब तक उसका अपना खुद का पाथ ना हो जो वो प्लूटो है उसका भी अपना खुद का पाथ है बट वो और प्लैनेट्स के पाथ को कट करता है इसीलिए उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से डिसक्वालीफाई किया गया है अब पहले हमारे पास नाइन प्लैनेट्स थे आफ्टर 2006 अब हमारे पास ओनली एट प्लैनेट्स हैं जिनके नेम है Venus, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, ये जो नेम है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम द सन अब हम बात करते हैं सन जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये फुल है बहुत सारी गैसेस से जिसमें मेजर पार्ट हाइड्रोजन और हीलियम का है और ये बहुत ज़्यादा हॉट है इसके सरफेस का टेम्परेचर बताया जाता है कि 6000 थाउजेंड सल डिग्री सेल्सियस है अब आप सोचिए कि 40 डिग्री सेल्सियस में आपको इतनी गर्मी महसूस होती है तो 6000 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा गर्म होगा और जो डिस्टेंस है सन की जो अर्थ से 150 फिफ्टी मिलियन किलोमीटर है यह हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर जो सन है वो हमारी अर्थ से दूर है अब हम बात करते हैं प्लान प्लैनेट्स की देयर आर एट प्लान इन आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में आठ प्लानट हैं और सन से उनके डिस्टेंस इस अकॉर्डिंग है मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपच्यून अब इनको याद रखने का इन प्लेनेट्स को याद रखने का मैं आपको एक ईजी वे बताता हूं माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सॉफ्ट अस नट्स एक बार पुनः सुनिए वंस अगेन मेरे साथ दोहराइए सभी माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सॉफ्ट अस नट्स ये ये क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत इजी होगी इससे आप सभी इन प्लैनेट्स के नेम को आसानी से याद रख पाएंगे और ये ये प्लैनेट्स के जो नेम हैं सन से उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं अब वो पाथ जो फिक्स पाथ जिस पे कोई भी ग्रह या कोई भी प्लैनेट चक्कर लगाता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं मरकरी जो सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लानट है वो 88 डेज में अपना एक सर्कल या एक राउंड कह सकते हैं जो सन का पूरा करता है यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो मरकरी पे जो एक दिन है या जो एक साल है वो 88 दिन का ही होता है अब हम बात करते हैं प्लूटो की जो 2006 में प्लूटो को एक प्लानट की कैटेगरी से डिस्कालीफाई किया गया था वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसे एक प्लानट की कैटेगरी से डिस्कालीफाई किया गया था बिकॉज ये दूसरे प्लान के ऑर्बिट को कट कर रहा था द अर्थ अर्थ जो कि तीसरा प्लानट है और जिस पे हम रहते हैं और अकॉर्डिंग टू साइज इट्स फिफ्थ इस स्लाइटली फ्लैट एट द पोल ये पोल पे थोड़ी सी चपटी है और अर्थ का जो हमारा साइज है बहुत से लोग कहते हैं संतरे के साइज का है अंडे का साइज का है ना ये संतरे के साइज का है ना ये अंडे के साइज का है इट्स अ ये एक ज्यौग है। मीनस अर्थ लाइक अ शेप। एक ऐसा शेप है जो अर्थ का जैसा है बिल्कुल इस और इसकी यही कंडीशंस हमारे लिए काफी लाइफ सपोर्टिंग है और इन्हीं कंडीशंस के द्वारा हम अर्थ में जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है अर्थ जो है अपने एक्सेस पे 23 एंड हाफ जो है टिल्टेड है अब बात करते हैं मून की जो कि अर्थ का एक सैटेलाइट है और इसका इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर ऑफ द अर्थ जो इसका डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का ओनली वन फोर्थ है और यह हमें बड़ा इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज इट्स नियर टू द अर्थ जिसके डिस्टेंस है वो अर्थ से थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड है किलोमीटर है इसीलिए इतनी क्लोज डिस्टेंस होने के कारण मून हमें काफी बड़ा दिखाई देता है मून अर्थ के अराउंड में चक रोटेशन करता है और ट्वेंटी सेवन डेज़ में इस रोट अपने रोटेशन को कंप्लीट करता है और मून जो है मून की जो कंडीशंस हैं वो लाइफ सपोर्टिंग नहीं है वहाँ पर हवा और पानी नहीं है इसीलिए वहाँ पर लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है बट वहाँ के माउंटेन्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं और वहाँ पे जो सरफेसेस हैं वो आपको डॉट्स के रूप में दिखाई देते होंगे जो आप मून में देखते हो जिसे कहते हैं चांद में दाग होना वो एक्चुअली मून पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि हमें अर्थ से एक डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन कॉल एस्ट्रॉइड्स सन अर्थ और प्लैनेट्स को अगर हम छोड़ दें और भी बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी बॉडीज हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट आपने देखी होगी इस इमेज में आपको एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट दिख रही होगी जो कि मार्स और जुपिटर के बीच है ये आपकी एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है ये जो बेल्ट जिसपे आपको ग्रीन मार्क दिख रहा है यह आपकी एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है अब हम बात करते हैं मेट्रॉइड्स की मेट्रॉइड्स जो है छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मेट्रॉइड्स कहलाते हैं कभी कभी मेट्रॉइड्स धरती के पास आ जाते हैं और धरती पर गिरते हुए आप उन्हें देखते होंगे और अर्थ के फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लगती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आकाश से तारे टूट के धरती पर गिर रहे हैं बट वो कोई तारा नहीं होता है मेट्रॉइड्स होते हैं पत्थर के टुकड़े होते हैं जिनमें अर्थ के फ्रिक्शन के कारण फायर लग जाती है और वो एक बर्निंग स्टार की तरह आपको दिखता है जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है आकाशगंगा और गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं बहुत सारा क्लाउड है डस्ट एंड गैसेस है और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स में लोकेटेड है तो आप इमेजिन कर इमेजिन सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है और जो हमारा अर्थ है वह एक छोटा सा टाइमिंग ऑब्जेक्ट है इन दिस यूनिवर्स क्या आप अर्थ को अपने क्या आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हैं अब आप धरती पे हैं धरती एक पार्ट है सोलर सिस्टम का और सोलर सिस्टम एक पार्ट है मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का और आकाशगंगा हमारे यूनिवर्स का पार्ट है थिंक द यूनिवर्स कंटेंट मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एंड यू फिट इन द पिक्चर अब आप देखिए पिक्चर में अब आप खुद को इमेजिन कीजिए सेंटर में फर्स्ट सेंटर में जिसमें एक आपको इमेज दिख रही है बच्चे की वो आप हैं उसके बाद हमारी धरती है फिर हमारा सोलर सिस्टम है फिर हमारी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी और देन यूनिवर्स और ऐसी जैसे हमारी गैलेक्सी है आकाश गंगा ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स में अवेलेबल हैं और जो हमारा धर, अर्थ है ऐसे कई सारे प्लानट्स हो सकते हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है हैव अ गुड डे